नहीं की जाएगी, एक आलू की करप्शन भी बर्दाश्त नहीं करांगा मैं। आलू शादियां दे फंक्शन च केड़ा कजर पकाउंदा ओए कुलो दे खत्म खान आया। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू हेयर रिव्यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, हरे से होंगे, खुश होंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूं सब ठीक होंगे, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। सो गाइस, हम फिर से आपके सामने एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज की वीडियो बहुत बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है, बहुत ही फनी वीडियो है, मुझे बहुत अच्छी लगी। आई थिंक अब तक हमने जितनी भी वीडियो बनाई है ये रिएक्शन चैनल पर, मुझसे बेस्ट वीडियो होने वाली है आज की। सो गाइस, बहुत ही फनी वीडियो है, एंड वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। और चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो आप लोग जाके उसे भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये है इजाज ऑफिशियल, उनके चैनल की एक वीडियो है, बहुत ही फनी है, प्रैंक कॉल वेडिंग फूड, हाँ वेडिंग फूड थीव जॉब। तो देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जो न्यू आने वाले हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर और हाँ और प्लीज़ अनलाइक ना किया करें, अगर कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती तो कमेंट्स में वजह भी बताया करें, हाँ भाई ये चीज़ है जिसकी वजह से हमें वीडियो अच्छी नहीं लगी, ताकि नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करें ना हो। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर जी, अल्लाह का शुक्र है। आप 15 दिन पहले सूसा रोड पे हमारा ऑफिस है, तो वहाँ पे अपना सीवी जमा करवा के गए थे ना? 15 दिन जी सर, मैं करवा के गया सी। हाँ, तो मेरा काम है, जिनको लोग चाहिए होते हैं काम करने वाले वो भी मुझे कॉल करते हैं, और जिनको काम चाहिए होता है वो भी मुझे कॉल करते हैं। अच्छा जी, अच्छा, ठीक है ना। तो वो मैं दोनों के दरमियान, काम करवाने वालों के और करने वालों के दरमियान मेरा काम है एक वसीला बन जाना, ठीक है ना जी? जी। तो नौकरी आई है एक बहुत अच्छी। अच्छा जी, तो ये बताया आपके पास बाइक है? बाइक जी है, क्या जी? मोटरसाइकिल है आपके पास? जी जी। आपको उर्दू में बात करने में कोई मसला तो नहीं हो रहा जी? नहीं नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे जी। अच्छा चलें, मैं आपसे पंजाबी में बात कर लेता हूँ जी। ते तुसी मोटरसाइकिल हैगी तुहाडे कोल? जी मोटरसाइकिल हैगी है जी। ठीक है, ते की पढ़िया की तुसी भला? रोटी दिया मतलब के अल्लाह ने इना तो रिजक देना है कि तुसी आंडियां गुआंडियां भी रोटी दिया करनी। अच्छा, हाँ जी, रिश्तेदार भी तुहाडे घरों खा के जाने, मतलब खुला तैयारी में हम कब लेट हो गए हमें समझ भी नहीं आई, और रोज की तरह फिर अजान हो गई। एनीवेज हम वीडियो दोबारा स्टार्ट करते हैं। सवेरे 6 बजे मोटरसाइकिल करनी जी, साफ सुथरी जी, हाँ जी, ड्रेस पेंट जी, प्रेस कीती हुई जी, ऐसी साफ सुथरी फैमिली, ऐसी अच्छे कपड़े पाए, ड्रेस शर्ट, अच्छा, खूबसूरत कंट्रास्ट आई, अच्छा, शूज, ड्रेस शूज, ठीक ठीक, कटिंग कलमा दे उत्ते पोरा भी वाल नहीं, बहुत बेहतर जी, बहुत ठीक है जी, कन्ना दे उत्ते वाल नहीं चाहिए, साइड तो चीर कटे है, ठीक है जी, इंतहाई डिसेंट जी, बहुत अच्छी खुशबू, जेब च हर वक्त कंगा, जेड़ा काम तुहानूं दसना, जिले तुसी अपने काम वाले पॉइंट ते पहुंचना है, अंदर वड़न तो पहले एक बारी चीर इंज बना के छोटा जिहा शीशा सैक वाली जेब च, अच्छा जी, ठीक है जी, ताकि जिले तुसी जाओ ते एक किसे नूं पता ही ना लगे के ए उधर दा के इधर दा इधर दा के उधर दा। ए सर, जॉब की है? जॉब ए कि तुसी सुबह मेरे को आना है 6 बजे जी ऑफिस, मैं 5 बजे छापर लेके आना हूं ना। छापर? छापर लेके आते हो 5 बजे? हाँ जी। अच्छा, तुसी ऑफिस आके मेरे को फड़ने में छापर, ठीक है सर, बेहतर। 4 मुख्तलिफ साइज होंगे
मुख्तलिफ चार किस्म की वैरायटीज वास्ते मार्केटिंग निकल रही अपने आप नू समझ लेना है कि मैं मांगत इंटरप्राइजेस दा डायरेक्टर मांगत इंटरप्राइजेस सर मैं तुम्हारी गल नहीं समझे जी तुसी मोटरसाइकिल फड़नी है जी जी निकल जाना है जिथे तुसी तंबू लगे देखे तंबू टेंट तंबू फंक्शन ठीक है जी तुहाडा काम आ उसे टाइम तंबू दे अंदर इंतहाई कॉन्फिडेंस नाल बढ़ना है किसे नू इस गल दा पता ही ना लगे कि तुसी कुड़ी वालों आ कि मुंडे वालों मार्केटिंग ते सर कॉन्फिडेंस नाल ही हुंदी है हां जी ए मैनू गल दी समझ नहीं आई कुड़ी वालों कि मुंडे वालों जी तुहाडा काम है अंदर बड़े हैं तुसी जी टेंट दे ठीक है जी बराबर आई बेहतर सर कुड़ी वाले भी है मुंडे वाले भी मिलनियां हुंदियां जी जी 5 मिनट च रोटी खुल जानी है जितना ही रोटी खुले तुहाडे चापर खुल जाए ਚਾਪਰ ਕੋਲ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ ਤਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਮਿੱਠੇ ਚੌਲ ਇੱਕ ਚ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਜੋ ਲਾ ਰਿਹਾ ਯਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਚੁੱਕਣਾ ਜਿਹਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਮਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਵਾਵਾ ਸਾਰੇ ਤਿਲ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਤੇ ਨਾਲ ਧਨੀਆ ਲੱਗਾ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਬਤਾ ਇਸ ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਕੋ ਕਿਸ ਕੀ ਯਾਦ ਆਤੀ ਹੈ ਬਸ ਅਤਾ ਲਾਈਵ ਮੈਕਸਰ ਜਬ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ मैं वही सोच रही हूँ किसी के फिर मुझे याद आया हम भी वैसे बात करते हैं ए सर ए तो चलो फार्म टाइम के मसले मेरी जॉब की है ए जॉब फार्म टाइम के मसले मेरी ए तेरी जॉब है कि तुसी लंगरी ला रहे इंग्लिश ना लफ्ज़ कोई नहीं सर जी हाँ ए तुसी मैं तो अनपढ़ जे लगे तो हम तो लंगरी ला रहे कुछ समझ नहीं आ रहा जी बस तुसी ये है कि शाम 5 ठीक 5 बजे ऑफिस पहुंचना है शाम को 5 बजे हां जी सुबह 7 बजे निकलना है शाम को 5 बजे तक जिन्ना खाना है इकट्ठा करके मेरे ऑफिस पहुंचना है ओदे विच 30% खाना ਤੁਹਾਡਾ 70% मेरा ओ सारी मेहनत हो कर वो लोगों को पता भी ना चले देंगे वो लड़कों वाली सेट हो गई सालन रोटी एक गल ਤੁਹਾਨੂੰ मैं एक बॉक्स देंगा ਸਵੇਰੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਭਾਈ ਹਮੀਦ ਦਾ ਇੱਥੇ ਫੱਟਾ ਲੱਗਦਾ ਬਰਫ਼ ਵਾਲਾ ਕੁਛ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਬਰਫ਼ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਸਟਰਡ ਬਾਕਸ ਹੋਏਗਾ ਕਸਟਰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਖਬਰਦਾਰ ਖਬਰਦਾਰ ਅਗਰ ਕਸਟਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਂਗਲੀ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਚੱਕਿਆ ਕਸਟਰਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਸਖਤੀ 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 ਸਮਝ ਗਿਆ ਯਾਰ ਜੋਬ ਓ ਭਾਈ ਓ ਕਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਮੇ ਲਾ ਰਿਹਾ कड़ी पकौड़ा कित भी बनिया हो कड़ी पकौड़ा एडा कि पकौड़ा तेरे मूह से मार के आलू पा दिया चौल तू मैं बंदे ने पुत्रा नहीं दस ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਪਰ ਫੜ ਲਾ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ ਉੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਆ ਜੇ ਕੋ ਮੈਨੂੰ ਫੌਜੀ ਵਾਲਾ ਟੈਂਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਬੇਬੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚਾਰ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਪੇਚ ਕਰ ਫੇਰ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇਰੇ ਚਾਰ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਪੇਚ ਰੋਂਦਾ ਚੌਪ ਦੇ ਨੂੰ ਚੌਪ ਦੇ ਤੋਂ ਆ ਕਰੋ ਮਾਗਤ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸ਼ਾਪਰ ਫੜ ਲਾ ਇੰਜ ਕਰ ਲਾ ਜੇ ਕੋ ਸ਼ਾਪਰ ਚੋਟਾ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਰੋਂਦਾ ਚੌਪ ਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਜੌਬ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਗਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਚ ਕਰਦਾ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਇੱਥੇ ਬਥੇਰੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਆ ਮਾਗ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾ ਕਰੇਲੇ ਗੋਸ਼ਤ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੱਜਾ ਪਕਾਉਂਦਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰੇਲੇ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇਖੇ ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਰੇਲੇ ਗੋਸ਼ਤ ਕਿਤੇ ਲੱਭਾ ਤੇਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਾਂ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਸਮਝ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਦੀ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਇੱਕ ਆਲੂ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਆਲੂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਕੰਜਰ ਪਕਾਉਂਦਾ ਓਏ ਕੁਲਾਂ ਦੇ ਖਤਮ ਖਾਣ ਆਇਆ ਓਏ ਕੁਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਆਲੂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋ ਜੌਬ ਲੈਣ ਆਇਆ
ਕੌਣਾ ਬਣਾਤਾ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਜੂਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾ ਕਿਸੇ ਗਲੀ ਚ ਲੋਂਦਾ ਜੋਬ ਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਪੱਟ ਦੀ ਬੂਟੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਿਤੇ ਹੋਈ ਪੱਟ ਦੀ ਤੇ ਸਮਝ ਲਈ ਤੇਰਾ ਪੱਟ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੱਟ ਦੀ ਬੂਟੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੱਟ ਦੇ ਦੰਦੀ ਵੱਢ ਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਨੌਕਰੀ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੱਟ ਖਾ ਲਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅੰਗ ਸਾਹ ਪੁੱਛੇ ਪੱਟ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੱਪ ਚਾਹ ਗਿਆ ਮੈਂ ਪੱਟਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ ਨੌਕਰੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਪੱਟਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਖੈਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਗੋਸ਼ਤ ਖੋਰ ਇਨਸਾਨ ਲੂਣੇ ਮਿੱਠੇ ਜੇ ਰਲ ਗਏ ਆਹੋ ਖਾਣਾ ਵੀ ਮਗਵਾ ਤਿੰਨ ਫੀਸ ਬੱਲੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਉੱਚੀ ਨੀਚ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਆ ਉੱਚੀ ਨੀਚ ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰ ਤੜਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾ ਲਈ ਮਿੱਠੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਪਿਓ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਡ ਮਾਸਟਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੋ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੰਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਵੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਓਏ ਇਹ ਚ ਕੋ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਮੰਗ ਕੇ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਰਿਜ਼ਕ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣ ਲੱਗਾ ਤੇਰੇ ਘਰੋਂ ਪੁੱਤਰ ਕੌਣ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਹੈ ਜੇ ਪਿਓ ਕਮਾ ਲੇਗਾ ਪੁੱਤਰ ਖਾ ਲੇਗਾ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵੜ 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 ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਉਹ ਕਮਾ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬੂਟ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਪਲ ਪਾਈ ਸਾਰੀ ਪਾਲਿਸ਼ ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ ਜਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸਵੇਰੇ ਹੈ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਇਆ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਖੋਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਕਾਲਾ ਪਿਆ ਆ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਿਆ ਉਹ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਕਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਉਹ ਫਟਕਾਰਾ ਬੋਲ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਮੰਗਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ देख चुकी हूँ बट किसन से वैसे ही हंसी आई है मैं इसका क्लिप देखा था बीच में से और मुझे बहुत ही फनी लगी मैंने इनका चैनल निकाला एक दो वीडियो मैंने देखी बहुत ही फनी होगी हर वीडियो बहुत फनी होती है बहुत ज़्यादा और अब पूरी वीडियो देखकर मेरी हालत खराब हो गई है यार हाँ तभी कैची वाली चबा बनी मतलब उन्होंने क्या शूज शूज में शूज पहनने से इनकार कर दी बहुत बेस्ट वीडियो थी यार अभी जब से हमने चैनल पे ये बनाया है हाँ। तब से लेकर अब तक ये वाली बेस्ट वीडियो थी हाँ बहुत ही ज़्यादा बहुत ही अच्छी वीडियो थी यार जबरदस्त काम कर रहे हैं ये बहुत ही अच्छा मतलब किसी का मूड खराब हो उदास हो बस ऐसे ही वीडियो दिखाने को एक आस लगी थी कि उसको जॉब मिल रही है और इन्होंने उस पर अपनी बोटियां अपने पट पे करेले गोश्त अभी पता नहीं क्या क्या था वो मीठे चावल जो मुझे अच्छे नहीं लगते ठीक कस्टर्ड भी था कस्टर्ड मुझे क्या वो जो उंगली वाला बोला था वैसे वो हमारे घर में भी कभी कभी हो जाता है जैसे बना के रख दिया जाए और अभी ये किसी ने लेना चाहता है ठंडा वाला तो हम बस चखने के लिए खा लेते इसलिए उनको पता था कि ऐसा होता है तो इसीलिए उन्होंने पहले मना कर दिया कि कोई करप्शन नहीं चलेगी यार बहुत ही जबरदस्त वीडियो थी और वो आगे से बंदा भी मेरे से ही नहीं जैसा फैसलाबादी को टकरा हुआ था उनको भी सही उसने कॉल भी की है अच्छे यहाँ से जवाब दिए सो गाइज आप इनके चैनल को विजिट करें और जो हमारे चैनल पे न्यू आए हैं वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और कमेंट्स में बताएं अगर आप चाहते हैं कि हम इनकी और ऐसी फनी वीडियोज़ पर रिएक्शन दें सब चीज़ हमें फनी बहुत फनी वीडियोज़ हैं मैंने एक दो ही देखी हैं और लेकिन बहुत ही मजे इनकी वीडियोज़ हैं और भी आप चाहते हैं तो हम रिएक्शन देंगे इस पर और मेरा बस चले तो मैं तो फिर इनकी हर वीडियो पे रिएक्शन दूँ सो गाइस आप इसी तरह हम लोग मतलब के पागल हो रहे होंगे सो कमेंट्स में बताएं आपको कैसी लगी है वीडियो और बस फिर आज के लिए इतना ही क्योंकि हम उसे और कुछ बोला नहीं जाएगा ख्याल रखिएगा अपना और बस ख्याल रखिएगा और गाँव में याद रखिएगा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़